हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है गवर्नेंस के बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नेंस को किस प्रकार से इम्प्रूव किया जा सकता है, किस प्रकार से लोकल गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको लेकर आज हमारी डिस्कशन रहेगी। और जो डिस्कशन रहेगी वो स्टार्ट करेंगे हम 2011 से, यानी जो 2011 में जो एक मूवमेंट चली थी, यानी एंटी करप्शन मूवमेंट जो चली थी, कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन चला था, उसको लेकर हम पूरा का पूरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट चली थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला था। इस आंदोलन को बढ़ाया था किसने, बढ़ावा दिया था कौन, इसके लीडर थे, इसके लीडर थे अन्ना हजारे और उनके साथी मिस अरविंद केजरीवाल या कि किरण बेदी और जो उनके दूसरे साथी थे, उन्होंने एंटी करप्शन मूवमेंट चलाई थी। उनका कहना था, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो एक्चुअली क्या लेके आने चाहते थे, वो लेके आना चाहते थे जन लोकपाल लेकर आने चाहते थे। उनका कहना था कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया गया लोकपाल और लोकायुक्त बिल, उसके ऊपर उनका कोई भरोसा नहीं है। अब वो चाहते थे कि जो उनके द्वारा बनाया गया जो ड्राफ्ट है, जो उन्होंने जन लोकपाल के लिए जो ड्राफ्ट बनाया है, उसके आधार पर उसे लेकर गवर्नमेंट पार्लियामेंट में जाए और उस पर और उसे बनाए, यानी जन लोकपाल को लेकर आए उनके उनके बनाए गए ड्राफ्ट के अनुसार। अभी उनका कहना था, क्योंकि पार्लियामेंट में जो लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जनता के प्रति कुछ काम करे, क्योंकि जनता के प्रति वो अकाउंटेबल है, जनता के प्रति वो जवाबदेह है, क्योंकि जनता ने उन्हें इलेक्ट किया है, और जनता ने उन्हें इलेक्ट किया है तो वो जनता की आवाज उठाने के लिए वहां पे है। तो एक तरीके से उन्हें बोला गया कि अब चूंकि आप जनता की आवाज उठाने के लिए हो, और जनता की आज के टाइम पे डिमांड क्या है, जनता की रिक्वायरमेंट क्या है, वो है जन लोकपाल एंड लोकपाल बिल लेके आना। तो एक तरीके से उन्होंने बोला कि आप क्या करिए कि पार्लियामेंट की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस बिल को पास करें। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट में जो थे रिप्रेजेंटेटिव, वो रिप्रेजेंटेटिव का कहना था अन्ना हजारे लोगों कि आखिरकार आप होते कौन है, यानी आपने जो ये चीज कही है, आखिरकार आप होते कौन है। तो जो अन्ना हजारे और उनके साथी कहे कि हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनका कहना था भाई पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव तो हम, क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ने के बाद हम जीते और उसके बाद पार्लियामेंट में आए और अब हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपको जनता का रिप्रेजेंटेटिव बनना है, जनता का अगर आपको प्रतिनिधित्व बनना है, तो सबसे पहले आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, इलेक्शन को जीतना पड़ेगा और पार्लियामेंट में आना पड़ेगा, और अपने हिसाब से फिर आप पॉलिसीज को बना सकते हैं। तो फिर यहां से अन्ना हजारे और उनके साथियों ने सोचा कि हम किसी प्रकार से क्या करते हैं, अगर हमें सिस्टम में रिफॉर्म लाने, अगर हमें गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है, तो ज्यादा जरूरी है कि हम कहा जाए, सबसे पहले सिस्टम के अंदर घुसे, तभी हम वहां से करप्शन को खत्म कर सकते हैं। तो जो अरविंद केजरीवाल थे, अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता और फिर उसके बाद वो कहा दिल्ली में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट भी बनाई। तो शुरुआत के समय में अरविंद केजरीवाल ने जो एंटी करप्शन की जो मूवमेंट चल रही थी, तो एंटी करप्शन की बात भी कर रहे थे, तो वो अलग अलग तरीके से उसको यानी पालन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो भी एक तरीके से सिस्टम का रूप बनते गए, सिस्टम का अंग बनते गए। और उसके बाद जो उनकी एंटी करप्शन की जो मूवमेंट थी, एंटी करप्शन को एक तरीके से कर्व करना था, भ्रष्टाचार को रोकना था, अब वो मूवमेंट थोड़ा थोड़ा कम हो गई। तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि भाई जो रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव के अलावा चूंकि सिस्टम में ही ज्यादा खराबी है, तभी तो रिप्रेजेंटेटिव ऐसा कहा जाता है। भाई रिप्रेजेंटेटिव का क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए कि उसके अंदर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर लीडरशिप के गुण होना चाहिए, वो अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, वो जनता के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए। तो ये सब क्वालिटीज तो रहे, लेकिन इसके अलावा अगर सिस्टम में ही खराबी है, अगर सिस्टम में ही जो तंत्र है पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट जो चलाता है, अगर उसी में खराबी, देन रिप्रेजेंटेटिव भी क्या कर सकते हैं। तो यहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि हमने चूंकि कौन सा मॉडल अपनाया है, हमने अपनाया है हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड लोक, जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय तंत्र को अपनाया है हमारे देश में, अगर इसकी जगह हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाते तो हमारा देश और अच्छे से गवर्न होता, हमारे देश में और अच्छी पॉलिसीज बनती और अच्छा और करप्शन फ्री होता, बहुत सारे अच्छे इम्पैक्ट देखने को मिलते। लेकिन जैसे अगर हम हिस्ट्री की साइड जाएं,
क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के सामने सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले था कि हमें ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना जो पूरे देश की भावनाओं को एक तरीके से वो समा कर रखे। तो और इसके लिए ये भी जरूरी कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें सारे के सारे जो हम वादे कर रहे थे अपने स्ट्रगल टाइम पे, यानी जो हम जब फ्रीडम फाइटर थे, जब हम उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे, तब जब जो जो वादे हमने किए थे उन सारी चीजों को हम फुलफिल कर सके। तो उस टाइम पे जो हमारे जो बी एन राव थे और बी आर अम्बेडकर, ये दोनों ने एक तरीके से, ये बी आर अम्बेडकर चूंकि ये कानून लॉ के ज्ञाता थे, लॉ के एक्सपर्ट थे, और बी एन राव चूंकि उस समय हमारे जो राजनीतिक सलाहकार थे, पॉलिटिकल एडवाइजर थे, तो ये दोनों, बी एन राव ने बहुत सारे देशों का इन लोगों ने भ्रमण किया, दर्जनों भर कॉन्स्टिट्यूशन को छाटा और उसके हिसाब से, और वो सबको छानबीन करने के बाद अपने देश में कुछ वो लेकर आए। तो हमने बहुत सारे, यानी बहुत सारे देशों से चीजें ली, लाइक यूएसए से हमने लिया, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट लिया, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का पद को लिया, और जैसे साउथ अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लिया, डीपीएसपी जो हमने आयरलैंड से लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या कि जो ब्रिटेन से हमने लिया, रूल ऑफ लॉ लिया, विधि का शासन, या कि पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया। तो ये सारी चीजें हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से ली। तो जब हमने अपना सिस्टम बनाया, जब हमने हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता, हमारे देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता, राष्ट्रपति जो तंत्र होता, तो एक तरीके से ये ज्यादा इफेक्टिव होता पार्लियामेंट्री सिस्टम से। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी फुल प्रूफ तो है, फॉर एग्जाम्पल यूएसए में भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और यूएसए में क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पूरी चीजें सही हो रही है, क्योंकि यूएसए में कांग्रेस है, वहां पे कांग्रेस और सीनेट के बीच में देखा गया कितने ज्यादा मतभेद है, कितने ज्यादा इश्यूज को लेकर दोनों के बीच में अलग अलग मतभेद देखे जाते हैं, या कि वहां का जो हेल्थ सेक्टर है जो कोलैप्स कर गया था कोविड-19 के उसमें, तो हेल्थ सेक्टर में जो गलतियां थी, जो गड़बड़ियां थी, उसे भी रिमूव नहीं किया जा सका। कोविड-19 के टाइम पर प्रेसिडेंट अगर कोई पॉलिसीज को लाना चाहते हैं तो उसे भी वो नहीं ला पा रहे हैं। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने से हमारी गवर्नेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ये नहीं कहा जा सकता। आज के टाइम पे जितनी भी डेमोक्रेसी है, यानी पूरे वर्ल्ड की जितनी भी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, जहां पर चुनाव होते हैं इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में, वो एक फेस से होकर गुजर रही है, एक प्रॉब्लम से, एक चैलेंज से होकर गुजर रही है। वो चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फंडिंग एंड इलेक्शंस। अब क्या अगर इलेक्शन लड़ना है तो अच्छे खासे पैसे की जरूरत है, अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन जीतना है, तो आपको अच्छे खासे पैसे की जरूरत है, क्योंकि डेमोक्रेसी में कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन मतलब हमारे और यानी जनता और जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन किस प्रकार का, कि भाई वो अगर चुनाव लड़ रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो किस बेस में वो लड़ रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है, उनका मैनिफेस्टो क्या है, या कि फिर वो इलेक्शन जीतने के बाद उनकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी, वो किस प्रायोरिटी को लेकर चल रहे हैं, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने की क्या प्रायोरिटी है, वो देश से डिजीज को खत्म करने के लिए क्या प्रायोरिटी रखते हैं, वो देश को सभी तरीके की जो बुराइयां उससे किस तरह से वो कम कर सकते हैं, या कि जो माल न्यूट्रिशन की समस्या उसे कैसे रोक सकते हैं, या कि हमारे डिफेंस सेक्टर को किस प्रकार से इंप्रूव कर सकते हैं, वो एजुकेशन में कितना खर्चा करेंगे। तो ये सारा का सारा कम्युनिकेशन के जरिए वो बताते हैं, जो भी यानी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कम्युनिकेशन के जरिए बताते हैं कि भाई हमारा ये एक तरीके से मैनिफेस्टो है कि हम ये चीजों को अपनाएंगे, जब भी हम जीतेंगे तो ये इन चीजों पर हम प्रायोरिटी देंगे। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कम्युनिकेशन के लिए क्या, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है, और एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसों की जरूरत है, यानी फंडिंग की जरूरत है। अब बड़ी बड़ी रैलियां होती तो वहां पर भी तो फंडिंग की जरूरत होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी रैलियों में अच्छा खासा पैसा भी खर्चा होता है। तो आखिरकार ये पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कहां से मिलेगी, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। कि अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या, ज्यादा पैसा जुटाने के लिए वो साम दाम दंडभेद, यानी वो हर एक तरीके से एक रेस लग जाती कि कैसे भी हमें ज्यादा पैसा जुटाना है। इसके लिए वो क्या कॉर्पोरेट ग्रुप पर निर्भर होते, जो बिजनेसमैन होते उन पर निर्भर होते। लाइक अगर कोई कॉर्पोरेट ग्रुप है वो बीजेपी को दे रहा है कि कांग्रेस को दे रहा है, वो
फंड दे रहा है अच्छा खासा, और उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट यानी आ जाती, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बना ले, फॉर एग्जांपल बीजेपी गवर्नमेंट बना ले और उससे अंबानी जो है अच्छा खासा पॉलिटिकल फंडिंग दिए, तो अब जब बीजेपी गवर्नमेंट बना ली तब उसके बाद वो जो कॉर्पोरेट ग्रुप है जिन्होंने फंडिंग दी थी वो ये तो बोलेंगे कि भाई चूंकि आपकी गवर्नमेंट बनाने में हमने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट बनाने में हमने एक इफेक्टिव रोल अदा किया है, हमने आपको पैसे दिए तब आपकी गवर्नमेंट बनी, तो अब जो पॉलिसी बनाए वो हमें देखते हुए बनाए, वो हमारे प्रॉफिट के अनुसार बनाए। अब चूंकि गवर्नमेंट ना ही भी नहीं कर सकती, चूंकि उन्हीं के बेस पर वो बनी है, और उन्हें यह भी है कि भाई अगली बार अगर हम इन्हें ना ही करेंगे देन अगली बार हमें फंडिंग कहां से मिलेगी, तो वो उनके अनुसार अपनी पॉलिसीज बनाने लग जाते हैं, जिससे हमारी जो गवर्नेंस है वो इम्प्रूव नहीं होती, गवर्नेंस पर इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरा, चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज अच्छा खासा रेवेन्यू अच्छा खासा अगर फंड अगर अच्छा खासा पैसा खर्चा कर रही है, लाइक एक जो एमएलए है या कि एक एमपी वो इलेक्शन जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, तो आखिरकार वो करोड़ों रुपए वो लाएगा कहां से? जब वो इलेक्शन जीतेगा तो कहीं ना कहीं से तो उसे निकाले गए, तो इससे क्या गवर्नेंस जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पाई, यानी गवर्नेंस पर इसका बुरा असर पड़ेगा। तो ये जो तो अगर आपको ये सब चीजों का चेंज करना है तो आपको क्या है कि ये जो अब इसके ऊपर ये भी किया जा सकता है क्या कि जो वोटर्स है वोटर्स से पैसा ही नहीं लिया जाए, यानी वोटर्स को अलाउ ही ना किया जाए कि वो फंडिंग करे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं, लोकतंत्र में पॉसिबल इसलिए नहीं है डेमोक्रेसी में, क्योंकि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की व्यू उस जनता से मिलती है तो उसके राइट है कि उसे फंड कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग ही नहीं दी जाएगी तो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कैसे लड़ सकेंगे, जो भाई उनके जेब में तो पैसे इतने हैं नहीं, तो फंडिंग उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस पे भी रिफॉर्म लाने की जरूरत है कि किस प्रकार से रिफॉर्म लाया जा सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग मिलती है उसके ऊपर रिफॉर्म लाया जा सकता है, और गवर्नमेंट को उसके ऊपर रिफॉर्म लाना चाहिए पार्लियामेंट में। इसके अलावा जब यूएससी का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर उस टाइम पे एक डिबेट चली थी कि जो वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए, यानी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए उनकी, और वहां पर वो वहां तो लोकल इशू पर ध्यान दे, यानी अपने लोकल लेवल पर तो लोकल इशू को ध्यान दे, लेकिन जब वो कांग्रेस पर आए, कांग्रेस मतलब वहां की जो पार्लियामेंट जैसे अपने यहाँ का लोकसभा वैसे वहां की कांग्रेस, तो अगर आप कांग्रेस में आ रहे हो तो आप वो पूरे लोकल इशू को नजरअंदाज कर दो, यानी लोकल इशू से जो आपने अपने हेड में रखे दिमाग में रखे उसे नजरअंदाज करके आप नेशनल इंटरेस्ट पर बात करो, ताकि बड़े बड़े इश्यूज जो है जो देश को ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं उसके ऊपर अच्छी डिबेट हो सके। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि लोकल इश्यूज को जो लोकल लेवल के जो इश्यूज है उसे इग्नोर किया जा सकता है रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव को डर लगा रहेगा कि अगर हम लोकल लेवल पर चूंकि जो भी हमें इलेक्शन जिताया है उनकी तो अपेक्षाएं हैं उनसे कि भाई वो हम उनकी आवाज को उठाएंगे, तो अगर वो लोकल लेवल पर जो इश्यूज है अगर वो उसे नहीं उठाएगा तो अगली बार उसे वोट भी नहीं मिलेगी, अगर वोट नहीं मिलेंगे देन वो कैसे काम कर सकेगा, इसीलिए लोकल लेवल पर तो वो इश्यू उठाए गए। तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा में किसने 545 मेंबर है, 545 मेंबर है, तो 545 मेंबर अपने अपने लोकल लेवल के इश्यूज को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट में कैओस क्रिएट हो जाएगा, तो जो बड़े बड़े इश्यूज है जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है उस पर अच्छी खासी डिबेट नहीं हो पाएगी। तो यहां पर एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी लाई जाए। इंटरनल डेमोक्रेसी इट मींस कि आप क्या करें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही आप लोकतंत्र लेकर आए, कि जैसे बीजेपी है, बीजेपी के जितने भी एमपी हैं या कि एमएलए वो आपस में किसी एक कोई एक इशू पर अपने अपने सारे व्यूज दे और उससे क्या एक कोरन यानी एक समन्वित व्यू आए जो एक अच्छा व्यू हो, और इसी प्रकार कांग्रेस भी करे तो इससे क्या होगा एक अच्छी हेल्थी एक डिबेट होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर पॉलिटिकल पार्टी में देखा जाए तो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है, जो करिश्मेटिक लीडर होते करिश्मेटिक लीडर की व्यू ही
उसके पार्टी के व्यू से ऊपर हो जाती। लाइक अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में जो प्राइम मिनिस्टर है या कि जो अमित शाह है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते, उनके व्यू ही पूरे पार्टी के ऊपर भारी पड़ते। वैसे ही कांग्रेस की बात कर लिया जाए तो कांग्रेस में भी ऐसी कंडीशन है, कांग्रेस में भी राहुल गांधी या कि इंदिरा गांधी के व्यूज जो है उसके पूरी पूरी पार्टी के ऊपर भारी होते। तो ये हो गए। तो हमारे यहाँ जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो हमारे यहाँ जो पार्टी पॉलिटिक्स है वहां पे इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी लाना बहुत ज्यादा जरूरी, सेंट्रलाइजेशन से उसे डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक फैक्ट हो गया। या कि दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है कि आप ऐसा करो कि जनता को डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करवाओ, यानी आप रेफरेंडम करा दो, जनमत संग्रह करवा दो कि अगर कोई भी इशू आए तो आप उस पर रेफरेंडम करवा दो कि इंडिया एंड चाइना का वॉर होना चाहिए, इंडिया एंड चाइना का युद्ध होना चाहिए, आप उस पर रेफरेंडम करवा दो, जनता उस पर सलाह दे अपनी कि भाई इंडिया और चाइना का वॉर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक हास्पद बात है, एक हंसने योग्य बात है कि भाई आप इतने ज्यादा क्रिटिकल इश्यूज को, इतने ज्यादा जटिल इश्यूज को आप जनता के साइड कैसे आप रेफरेंडम करवा सकते हो? क्योंकि जनता जो कॉम्प्लेक्सिटी, जो जनता उस इश्यू की जटिलताओं को नहीं समझ सकते, क्योंकि जनता क्या इमोशंस पे काम करती है, वो ये नहीं देखेगी भाई आखिरकार ग्राउंड लेवल में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है, इंडिया की वीकनेस क्या है, चाइना की स्ट्रेंथ क्या है, चाइना की वीकनेस क्या है, फिर इसका पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका हमारे दूसरे कंट्रीज के ऊपर रिलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को जनता नहीं देखती, जनता क्या एक इमोशंस पे काम करती। लाइक ब्रेग्जिट, जो ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना एक तरीके से एक इमोशन वाला ही डिसीजन था। एक रेफरेंडम करवाया गया कि भाई ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन के अंदर रहेगा कि उससे बाहर हो जाएगा, तो रेफरेंडम के जरिए ये बताया गया कि भाई ब्रेग्जिट करना है यानी ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग करना है। तो हालांकि जो यूके है, जो ब्रिटेन है, वो थोड़ा तो उसे लॉस हुआ है, उसे लॉस हो रहा है क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन से हट गया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ था तो क्या हो रहा था, वो यूरोपियन यूनियन के साथ दूसरे कंट्रीज के साथ वो अच्छे से नेगोशिएट कर पा रहा था, दूसरे देशों के साथ उसके रिलेशन अच्छे थे। अब जो ब्रिटेन इतना ज्यादा पावरफुल कंट्री भी तो है नहीं, इतना ज्यादा उसकी इतनी बड़ी इकोनॉमी भी नहीं है, तो इस आधार पर चूंकि जनता ने एक इमोशन भरा डिसीजन लिया और वहां रेफरेंडम हो गए और वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गए, तो आप जनता के, तो आप इतने कॉम्प्लेक्स इशू को जनता के ऊपर नहीं छोड़ सकते। ये हो गया। तो आप कर क्या सकते हो, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आप लोकल लेवल को, जो लोकल गवर्नेंस है, लोकल गवर्नेंस को आप इम्प्रूव करो। लोकल गवर्नेंस मतलब जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जो म्यूनिसपैलिटीज है, आप इसे एम्पावर करो। आप इसे एम्पावर करोगे तो जो लोकल लेवल पर जो इश्यू है वो यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। तो जो पार्लियामेंट है या कि फिर जो विधानसभा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पर ये लोकल लेवल के जो इश्यूज है वो जाएंगे नहीं। जब वो लोकल लेवल के इश्यूज नहीं जाएंगे तो वहां पे जो बड़े बड़े इश्यूज है उस पर अच्छी खासी डिबेट हो पाएगी और जो पार्लियामेंट का जो टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज हो सके और गवर्नेंस भी इससे इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, क्योंकि लोकल जो गवर्नेंस है, जो लोकल बॉडीज है, उन्हें अच्छा खासा ग्राउंड लेवल के बारे में पता होता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे भाई वाटर का कंजर्वेशन किस प्रकार से करना है या कि वहां पे हेल्थ सेक्टर किस प्रकार से, ये लोकल बॉडीज को ही पता होगा। वहां का एजुकेशन को किस प्रकार से आप इम्प्रूव कर सकते हो, वहां पे आप एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार से ला सकते हो, क्योंकि ये लोकल जो बॉडीज का ही काम है। तो अगर आप लोकल लेवल को, अगर आप लोकल बॉडीज को अगर आप दे दो तो ये जो इश्यूज है पार्लियामेंट में ना जाए, ये विधानसभा में ना जाए, तो एक तरीके से उनका जो कीमती टाइम है वो बचेगा और गवर्नेंस भी इंप्रूव होगी। ये हो गया पहला। दूसरा अगर देखा जाए, चूंकि सेंट्रलाइजेशन, चूंकि डिसेंट्रलाइजेशन तो करना है ना, आप जो भी कोई पॉलिसी बनाओ तो वो ऊपर से ना बनके बल्कि नीचे से बने, यानी जो सेंट्रलाइजेशन की जगह उसके डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, यानी केंद्रीकरण की जगह विकेंद्रीकरण होना चाहिए। चूंकि अगर हम इतिहास देखें तो यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था, यूएसएसआर का विघटन हुआ था, उसका सबसे बड़ा रीजन था सेंट्रलाइजेशन। क्योंकि क्या था सेंट्रलाइजेशन, के पूरे पूरे डिसीजन होते थे मॉस्को के होते थे, जो रशिया की कैपिटल थी, तो यूएसएसआर में मॉस्को के पूरे डिसीजन होते थे और ये पूरे के पूरे जो दूसरे कंट्रीज थे जो उसके साथ थे उनके ऊपर थोप दिया जाता था। तो जब भी इनको टाइम मिला तो ये एक तरीके से यूएसएसआर से अलग हो गए और यूएसएसआर का 1990s के टाइम पे विक्टर हो गए, डिसइंटीग्रेशन हो गए। तो जरूरी है आप क्या करें, आप सेंट्रलाइजेशन पर ना फोकस करके डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करना चाहिए और गवर्नमेंट वैसा कर भी रही, लेकिन इसके ऊपर और अच्छे से इम्पैक्ट किया जा सकता है
और अच्छे से इसे लाया जा सकता है। भाई ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग है, यहाँ पे रिफॉर्म की जरूरत है और बहुत सारी जगह पे भी रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन पब्लिक को भी क्या करना चाहिए, पब्लिक को भी एक तरीके से अवेयर होना चाहिए, जो वोटर्स हैं वो अवेयर रहे, जागरूक रहे, ताकि जो पब्लिक है क्या प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे बल्कि सॉल्यूशन बने। तो ये जो हमारा टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे गवर्नेंस के ऊपर हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगर आप ये इसे फेसबुक में देख रहे हैं देन आप लाइक करें एंड शेयर करें, और अगर आप इसे यूट्यूब में देख रहे हैं देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी आपको कमेंट करना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।